मंदसौर जिले के गांव खजूरी मांडा में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। लंबे समय से स्कूल भवन जर्जर व गिरने की स्थिति में था, जिसे ग्राम पंचायत ने लगभग 2-3 वर्ष पहले गिरा दिया, जिसके बाद से ही बच्चे कभी खुले मैदान में तो कभी किसी खेत पर तो कभी किसी ग्रामीण के तबेले में बैठकर पढ़ रहे हैं। खजूरी मांडा में प्राथमिक विद्यालय इस तरह की हालत से प्रशासन के स्कूल चले अभियान की हवा निकालते देखी जा सकती है। इस गांव में जब स्कूल भवन ही नहीं रहा तो कैसा स्कूल चले अभियान लगभग 3 वर्ष बीत गए, खुले में पढ़ाई हो रही है, अब जाके भवन का कार्य चालू हुआ, लेकिन लगता नहीं इस वर्ष भी बच्चों को भवन में बैठने को मिलेगा। स्कूल के टूटने के बाद से प्रशासन ने बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की, इसके चलते मजबूरी में आज दिन तक बच्चे मैदान और तबेले में बैठने को मजबूर है, और अगर व्यवस्था नहीं हुई तो आगे भी लगभग वर्ष भर उनको यही हाल रहेंगे। बच्चे खुले में बैठकर पढ़ने में साथ ही उन्हें शौच करने के लिए भी शौचालय नहीं होने से परेशानी होती है। एक मध्यान्ह भोजन कक्ष है जहां भोजन बनता है, वहीं उसके बाहर बैठकर बच्चों को भोजन करना पड़ता है। प्रशासन व शिक्षा विभाग के इस ओर ध्यान नहीं देने से बच्चों और शिक्षक दोनों को परेशानी हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसके अलावा भवन निर्माण जो अभी चालू हुआ है वह भी कछुआ चाल से बन रहा है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की खास रिपोर्ट। क्या समस्या आपको? हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं बना है और हम वहाँ पर खेत दूसरे के खेत में बैठते थे, अभी हम यहाँ खुले मैदान में बैठते हैं, धूल में बैठते हैं, भोजन भी धूल में बैठ कर करते हैं। हमारे यहाँ कोई जंगली जानवर आकर हमें काट देता है, तो हमारे टॉयलेट करने की बहुत समस्या है ना। हमारे स्कूल का काम अभी चला है, पहले से स्कूल का काम बंद था। हम पाँचवीं क्लास में हूँ और मैं उस साल मैं छठी में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, कितने सालों से? 2 साल से। ठीक है, सर स्कूल ही नहीं है 2 साल से, बहुत बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। मैं पहले था वो गिरा दिया, क्षतिग्रस्त था, तो उसके बाद 2 साल से बच्चे बाहर पढ़ रहे, किसी खेत में पढ़ रहे, किसी गांव के अंदर 3-4 जगह क्लास लग रही थी। अभी बहुत समस्या है बच्चों, स्कूल की बिल्डिंग काम अभी चला है, शौचालय की। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह करिया है। क्या समस्या है स्कूल? विद्यालय में तो बहुत भारी समस्या चल रही है मेरे 2 साल से। विगत 2 वर्षों से विद्यालय भवन नहीं है, पुराना था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको गिरा दिया गया है। उसके बाद विद्यालय का कार्य 1 साल बाद तो विद्यालय मंजूर हुआ है, पेमेंट इसका। अब काम चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। विगत दो वर्षों से हम इधर उधर बैठ रहे हैं, एक प्राइवेट बाड़े में जैसे बैठते थे, बारिश में हम यहाँ पंचायत भवन में बैठे हैं। एक कमरे में 5 क्लास ही नहीं बैठ सकते, पढ़ा नहीं सकते हैं, केवल बिठाना है। ये बड़ी समस्या बनी हुई, अभी थोड़ी ठंड के समय से बाहर बिठा रहे हैं। और जो पंचायत भवन में मिला था उसमें भी हमारे जैसे विद्यालय बनने भवन बनने का लोहा है, सीमेंट है, ये डाल रखा है। तो इस प्रकार से तो अभी तो बहुत विकट समस्या बनी हुई है। शायद अब कभी रास्ता निकल जाए, या इस वर्ष तो हम नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि मार्च में परीक्षा है, 2-2.5 महीने बचे हैं, उसमें विद्यालय बन जाए, अगले सत्र में संभावना है कि बैठ सकते हैं। अभी तो कठिनाई वैसे वैसे ही है, 2 साल से बनी हुई थी।